अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज फिर से मैं आया हूँ पठान मछली का शिकार करने, पठान फिश का शिकार करने। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। और दोस्तों कमेंट में काफ़ी सवाल आ रहा है कि भैया रोड कैसा लेना है, रील कैसा लेना है, तो आज मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैं फ़िलहाल अभी लुकाना का लावा स्पिन मॉडल यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि 8 फीट में है, 2 पीस रोड है, और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, बेहतर रिजल्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसी तरह का रोड आप लुकाना कंपनी का और भी मॉडल ले सकते हैं, डाइवा कंपनी का ले सकते हैं, पाइनर फायर का भी ले सकते हैं, और बहुत ऐसा कंपनी है जो 2 पीस का रोड ले सकते हैं। ये 2 पीस का रोड जो है दोस्तों आपको मजबूत मिलेगा, जो टेलीस्कोप रोड है उससे ज़्यादा मजबूत ये है। और पठान का शिकार आप कर रहे हैं और मरल फिश वगैरह शिकार कर रहे हैं, आप अट्टू फिशिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आप 2 पीस का रोड लें दोस्तों, टेलीस्कोप रोड ना लें, उससे खेलने में आपको दिक्कत हो सकती है। और ये काफ़ी आसान है लगाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 4-4 फीट का रहता है, अगर 8 फीट का लेंगे दोस्तों तो ये 4-4 फीट का रहता है 2 पीस। इसको बीच में ज्वाइंट किया जाता है, ये इसको थोड़ा टाइट कर देना है, ये फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों रील हमने लिया येलो कंपनी का, ये भी ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, मैं 2 साल से चला रहा हूँ, बहुत ही मस्त है ये। इसको लगाने का यही तरीका है दोस्तों, ये डायरेक्ट टाइट हो जाता है यहाँ पे, ये लग गया दोस्तों। चम्मच में 20 ग्राम का लिया हूँ और हुक भी बड़ा है। इसको लगाने का आसान तरीका मैं बताता हूँ दोस्तों, लाइन्स को धागे को फोल्ड करके एक गीठ दे दें, मैं पहले से दिया हुआ हूँ, इसको डायरेक्ट सिविल में पास करें। ये हो गया दोस्तों, अपना रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह का मैं जानकारी लाता रहता हूँ, फिशिंग टिप्स एंड ट्रिक लाता रहता हूँ दोस्तों आपके लिए, हर नई जानकारी मैं देता हूँ आपको, हर चैनल में आपको नहीं मिलने वाला दोस्तों, तो आप हमसे जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरह का नई जानकारी आपको मिलती रहेगी हर वीडियो में। और आपको जो भी सवाल है आप कमेंट में सवाल करें, हम आपका जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे ज़रूर। और अभी हम फटाफट शिकार करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या लगता है। 2 बार अपने को खाली हाथ जाना पड़ा है क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश का दिन है, तो कभी भी बारिश हो जाती है और हमको टाइम नहीं मिल पाता है शिकार करने के लिए। नदी में भी बाढ़ रहती है, गंदा पानी रहता है, तो हर सिचुएशन देख के शिकार करना पड़ता है दोस्तों। तो इसकी काफ़ी जानकारी मैं पिछले वीडियो में भी दिया हूँ, तो आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो देखिए। अगर पठान मछली का शिकार करते हैं तो आप वीडियो देखिए, पिछले वीडियो आपको उसमें भी कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा, और आज भी कुछ ना कुछ जानकारी मैंने दिया दोस्तों। तो अभी हम शिकार करते हैं, जाते हैं नदी, यहाँ पे सामने है, तो देखते हैं इंशाल्लाह आज का क्या शिकार लगता है अपने को। खतरनाक स्पोर्ट, थोड़ा देर पहले पकड़ा था दोस्तों और फिर से पकड़ चुका है। शिकार करने का जगह तो नहीं दोस्तों, मगर जगह बनाना पड़ता है। तो दोस्तों ये स्टिकर वाले स्पून पे लगा, चम्मच पे लगा, आज का पहला शिकार है दोस्तों। देख सकते हैं आप कितना झाड़ वगैरह है और गहराई हो गया है, ढलान हो गया बिल्कुल, तो खेलने में दिक्कत होता है दोस्तों। एक यहाँ पे अभी मिस भी हुआ था, वो मरल फिश था, चम्मच पे मरल फिश भी लगता है, तो वो भी अटैक किया था, मगर वो झपटा जब तो फंसा नहीं बराबर, इसके लिए वो छूट गया। तो अभी अपने को एक लगा पाड़िन।
दोस्तों पाड़न मछली पकड़ने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं कि पहले चम्मच पे ही लग जाए। हाँ होता है कभी कभी पहले चम्मच पे भी लगता है और कभी कभी देरी से शिकार होता है। दोस्तों यहाँ मैंने कम से कम 15 मिनट खेला और एक मरल फिश भागा यहाँ पे और अपने को एक लग चुका है। तो आप थोड़ा वक्त दें, कहीं भी आप शिकार करने जाएँ पठान का तो कम से कम 15-20 मिनट वहाँ पर चम्मच ज़रूर चलाएँ, उसके बाद वहाँ से दूसरे जगह देखें। अगर मछली है तो उम्मीद है लग जाएगा कुछ ना कुछ। दोस्तों छोटी है तो इसको छोड़ देता हूँ। चल जा भैया। क्या घर पे छोड़ के आऊँ क्या? अरे अरे किधर जा रहा है? भाग गया। बिग साइज बिग साइज। अरे बाप रे बिग साइज है ना। अरे बिग साइज नहीं है यार, मीडियम में है मगर गलत जगह फंसा है, इसके लिए लेके दौड़ रहा है। गजब का मछली है यार। ठीक है हम भी शिकारी हैं, हम आते हैं। क्या है यार दलदल है कि क्या है क्या पता। हाथी दबाना था। तोड़ दूंगा। खतरों का खिलाड़ी है, छोटा सा ही थोड़ा मेरा उंगली दबा दिया है। छोड़ अब छोड़ छोड़। इधर फंसा है दोस्तों, इसीलिए लगा बड़ा साइज है, भागा पूरा तेजी से और इधर कचड़े में फंसा दिया, इसके लिए दिक्कत हुआ निकालने में थोड़ा। ऐसे ही मैं खींचता तो वो भाग जाता क्योंकि पूरा कचड़े में फंसा दिया था, क्योंकि इसमें एक हुक नहीं है, तीन हुक है, ट्रिपल हुक है, तो कहीं ना कहीं कचड़ा भी फंस जाता तो चम्मच भी टूट सकता था और मछली भी भाग सकता था। तो ऐसा ना करें, अगर कचड़े में फंस जाए तो आप इसी तरह निकालें आराम से। बस बस मुन्ना बस। तो दोस्तों ये आज का दूसरा मछली है जो अपने को लगा, ये लगभग वही साइज है जो पहला वाला लगा। पानी थोड़ा गंदा है और पानी बह रहा है, गंदा पानी रहेगा और बहेगा भी तो थोड़ा कम शिकार होता है, तो थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है क्योंकि कल बारिश हुआ था और पानी अभी ठीक से साफ भी नहीं हुआ है और मैं खेल रहा हूँ। इसके लिए अपने को फ़िलहाल दो लग चुका है, देखते हैं अगर और कुछ लगता है तो इंशाअल्लाह।